मेदिनीनगर में 30 जून को हुई सागर डोम हत्याकांड का पलामू पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों आरोपी सागर डोम के करीबी मित्र थे। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल दो चाकू पत्थर समेत कई सामान जब्त किया। दरअसल मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के नावाहाता में 30 जून को सागर डोम नामक युवक की चाकू से गोदकर और पत्थर से कुचकर हत्या की गई थी। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के दूधी नगर निवासी राजकुमार उर्फ गोलू कुमार और उसके ममेरे भाई नीरज कुमार को गिरफ्तार किया है। 6/24 की रात्रि लगभग 10 बजे पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी देवव्रत पुद्दार को यह सूचना मिलती है कि बम पुलिस शौचालय के पीछे एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। बाद में मृतक सागर डोम पिता संजय राम नावाहता का की मृत्यु की बात होती है, उन्हें पहचाना जाता है। उस रूप में कांड दर्ज किया जाता है। कांड दर्ज करने के बाद में पुलिस अधीक्षक पलामू के द्वारा देवव्रत पुद्दार थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया जाता है, जिसमें पुलिस अवर निरीक्षक अनंत कुमार सिंह, गुलशन बिरुआ, राकेश कुमार सिंह इन लोगों को एवं अन्य लोगों को उस टीम में रखा जाता है। इस कांड में कल दिनांक 2/7 को दो आदमी की गिरफ्तारी होती है, एक राजकुमार उर्फ गोलू, दूसरा नीरज कुमार। इसकी गिरफ्तारी बस स्टैंड के पास सिनेमा हॉल के पास से होता है और ये लोग अपने अपराध स्वीकृति बयान में ये कन्फेस करते हैं, बताते हैं कि हाँ वो सागर डोम जिम जाता था और वो जिम जाने के बाद में इन लोगों को काफ़ी इठला करके बोलता था कि तुम लोगों को देख लेंगे। इसी बात से ये लोग प्लान बना कर करके ये बम पुलिस शौचालय के पीछे वहाँ पर खाने पीने का ये लोग प्लान बनाता है। प्लान के क्रम में वहाँ पर सागर डोम, नीरज कुमार तथा राजकुमार वहाँ पर जाता है और उसी में झंझट होती है और नीरज कुमार और राजकुमार उर्फ गोलू दोनों मिलकर करके सागर डोम की हत्या कर देते हैं। राजकुमार उर्फ गोलू चाकू से उसके गर्दन पर कई बार वार करके मल्टीपल इंजरी पहुंचाता है और उसके बाद एक पत्थर ला कर करके बरासा उसके सर पर पटक देता है। नीरज कुमार भी उसको पत्थर 3 बार उस पर पटकता है कि जब तक वो छटपटाता रहता था तब तक वो पटका और जब वो देख लिया कि बिल्कुल इसकी मृत्यु हो गई है तब वो लोग छोड़ करके भाग गए।